हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, आज जो है गिरावट जहाँ देखने को मिल रही है, जेट एयरवेज की बात करूं तो गिरावट जो है लोअर सर्किट के साथ लगी हुई है, यानी 6.20 रुपये की गिरावट आज जो है हमें स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है ओपनिंग के टाइम ही। और कल भी जो है स्टॉक ने लोअर सर्किट ही दिखाया था, क्योंकि कल जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने थे क्वार्टर फोर के, वो नंबर्स आ चुके हैं और गिरावट की वजह जो है वो क्वार्टर फोर के नंबर्स ही हैं, क्योंकि उनमें जो है अच्छा खासा नुकसान जो है कंपनी को अब की बार होने देखने को मिला है। हमें कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ है अब की बार। और देखिए, पिछली क्लोजिंग जो है 124.85 रुपये पे थी और आज जो 118.65 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और क्वार्टर फोर के नंबर्स कैसे रहे हैं, क्या कुछ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। तो देखिए, आज जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है लोअर सर्किट के साथ में, और आज मार्केट जो है थोड़ा सा अप ट्रेंड में ओपन हुआ है, अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है फ्राइडे के दिन आज मार्केट के अंदर। लगभग 0.70% की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 में तेजी आज देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जैसे जेट एयरवेज है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी अगर स्टॉक्स की बात करूँ तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है आज मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। तो 5 दिन में देखिए 0.46% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। देखिए, ये कंपनी जो है अभी दोबारा से तैयार हो रही है काम करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, अभी 2019 के बाद 3 साल होने वाले हैं, कंपनी जो है देखिए बंद हो चुकी थी और अब जो है कंपनी को जो नए मालिक मिल रहे हैं, नए जो हैं फंडामेंटल्स आ रहे हैं, नया नज़रिया जो है कंपनी को लेके आ रहा है, लेकिन वो काम अभी नहीं करेगा क्योंकि 3 महीने सितंबर के बाद जो है कंपनी जो है अपना काम स्टार्ट करेगी। और तब तक जो है स्टॉक में तेज़ी थी क्योंकि न्यूज़ आई थी कि कंपनी को जो है एविएशन की तरफ से जो है सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप जो अपनी फ्लाइट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसका असर देखने को मिला, अच्छे खासे रिटर्न दिए, लगभग 45% तक के रिटर्न दिए स्टॉक ने, तेजी दिखाई। लेकिन अब जो है गिरावट हो रही है क्योंकि कल जो है क्वार्टर फोर के नंबर्स आ गए थे और नंबर्स जो हैं अच्छे नहीं आए हैं। और बात अगर देखें 1 महीने की करूँ तो 1 महीने में 41% तक स्टॉक जो है टूट चुका है, 41% तक के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में भी 40% तक के रिटर्न दिए, यानी कि लगभग 100 रुपये से नीचे था स्टॉक, लगभग 90 रुपये के आसपास था और वहाँ से जो है एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई स्टॉक ने और 130 रुपये से ऊपर गया स्टॉक, और वहाँ से 2 दिन से आज लोअर सर्किट जो है स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के ओवरव्यू की बात करूँ तो देखिए 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू पर शेयर देखिए नेगेटिव में, क्योंकि एक टाइम पे स्टॉक का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा होता था, कंपनी दिवालिया हो गई, बंद हो गई कंपनी, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली, पैनी शेयर हो गया तब्दील और पी रेशियो भी ठीक ठाक है, बट लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो नेगेटिव में, यानी कि ये स्टॉक जो है वो रिस्की है इस टाइम थोड़ा सा, बट लेकिन अभी जैसे आगे के नंबर्स कैसे आते हैं, आगे कंपनी काम कैसा करती है उस पर जो है आगे की जो आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आज। तो देखिए, जेट एयरवेज क्वार्टर फोर नेट लॉस वाइडेंस टू ₹230 करोड़, टोटल इनकम फॉल्स 33%, यानी कि क्वार्टर फोर के अंदर जो है नेट लॉस जो हुआ है कंपनी को वो लगभग 234 करोड़ रुपये का हुआ है और टोटल इनकम जो है वो 33% तक गिर चुकी है, यानी कि क्वार्टर फोर के नंबर्स कल जो है कंपनी पेश कर चुकी है और उसकी वजह से कल लोअर सर्किट लगा। हाँ, देखा, क्योंकि एक तो नुकसान हो गया, टोटल इनकम भी जो है कम हो गया 33%, यानी कि अगर 100 रुपये जो है कंपनी कमा रही थी तो अब जो है 77 ही कमा रही है क्योंकि 33% नुकसान हो चुका है उस कंपनी को। और बात अगर देखें, जेट एयरवेज विच रिमेंस ग्राउंडेड फॉर ओवर 2 ईयर्स ऑन थर्सडे रिपोर्टेड स्टैंड लोन नेट लॉस ऑफ ₹233.63 करोड़ फॉर द 3 मंथ्स एंडेड मार्च, यानी कि 233.63 करोड़ का जो है 3 मंथ के अंदर कंपनी को नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। द फुल सर्विस कैरियर हैड स्टैंड लोन नेट लॉस ऑफ ₹107 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड अकॉर्डिंग टू ए रेगुलेटरी फाइलिंग, यानी कि अगर फुल सर्विस कैरियर की बात करें तो देखिए नेट लॉस जो है वो लगभग 107 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम स्टूड एट ₹11.63 करोड़ इन द लेटेस्ट मार्च क्वार्टर कंपेयर टू ₹17.73 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड, यानी कि पिछले साल का जो क्वार्टर फोर था उसमें 17 करोड़ का जो कंपनी को प्रॉफिट था जो है एक इनकम थी टोटल इनकम, और अब की बार जो है सिर्फ 11.63 करोड़ की, यानी कि वही बता रहा मैं 33% तक का जो है नेट फॉल जो है हमें देखने को मिल रहा है इनकम के अंदर भी। करंटली द एयरलाइन इज बीइंग मैनेज्ड बाय ए मॉनिटरिंग कमेटी, द मॉनिटरिंग कमेटी इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज द सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटीज also currently non-operational and then team is facing huge difficulty in obtaining relevant data from the said subsidiaries of filling said। देखिए, कंपनी को जो देखिए अभी कोई भी जो है कंपनी की मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू जो है काम कर रही है और सब्सिडरीज जो हैं वो अपनी अपनी अलग हो चुकी है, और तो मतलब इतना कंपनी के पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ढंग से कंसोलिडेशन रिजल्ट भी जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वो भी पेश कर पाए। तो अभी जो है देखिए न्यूज़ आई थी कि स्टॉक जो है जेट एयरवेज जो है दोबारा से कंटिन्यू होने वाले हैं, यानी कि सितंबर के महीने से, और उसके बाद जो है कंपनी कैसे काम करती है उसके बाद जो है
इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस आगे निर्भर करती है। न्यूज आई थी प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा स्टॉक था, लगभग 40-45% का प्रॉफिट दिया स्टॉक ने, और अब जो है गिरावट हो रही है क्योंकि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। बात अगर टेक्निकल चार्ट की करें तो देखिए स्टॉक जो है 90 रुपये के आसपास से तेजी दिखाई, हल्के हल्के करेक्शन के साथ स्टॉक जो है लगभग 135 रुपये तक गया, और अब जो है दो दिन से स्टॉक के अंदर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। आरएसए लेवल की बात करूँ तो देखिए स्टॉक में तेजी थी तो ओवरबोर्ड जोन में गया, और अभी गिरावट के साथ दो दिन के लोअर सर्किट के साथ जो है आरएसआई लेवल जो है आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए बेसिक सा फंडा है कि स्टॉक में अभी आपको जो है अपनी होल्डिंग्स नहीं लेनी है, गिरावट हो रही है होने दीजिए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो देखिए उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था अपना, क्योंकि 45% तक का प्रॉफिट जो है स्टॉक ने दिया है, क्योंकि तेजी की वजह थी कि जो है कंपनी को जो है एविएशन सेंट्रल एविएशन जो है उसकी तरफ से जो है मिल चुका था कि सर्टिफिकेट आप जो है अपनी कंटिन्यू फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टर फोर के नंबर्स ने उस पर दूसरा इफेक्ट डाल दिया कि नंबर्स अच्छे नहीं आए तो स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक के जब नंबर कंपनी अच्छे पेश नहीं करती है तो ऑटोमेटिक जो है प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, और जिनको जो ऊपर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अंदरूनी खबर जब मिलती है तो क्या करते हैं सबसे पहले अपना ही पैसा निकालते हैं और फंस जाती है आम पब्लिक। तो अब स्टॉक के अंदर वही हो रहा है, और देखिए वॉल्यूम देखें तो 60,000 शेयर्स का वॉल्यूम है, कल देखें 8,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम था, क्योंकि कल जो है बल्क में शेयर्स बेचे गए और जिसकी वजह से स्टॉक में लोअर सर्किट हमें देखने को मिला, और सारे के सारे शेयर्स जो हैं एकदम से उठा भी लिए गए, लेकिन डिलीवरी तो भले ही उठाई गई हो लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है कल ही की डेट में, क्योंकि कल जो है लोअर सर्किट की वजह थी कि भी क्वार्टर फोर के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। और आज अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो सिर्फ 25% प्रमोटर हैं, DII की बात करूँ तो 26%, 48.74, यानी कि एक हिस्से पे तो जो है देखिए पब्लिक बैठी हुई है, और दो हिस्सों के ऊपर जो है एक का ही डिवाइड कर दिया, 25% की बात करूँ तो प्रमोटर और जो है DII बैठी हुई है। तो स्टॉक देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी सही नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोची है तो अभी मत करें, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आए एक तो क्वार्टर फोर के, और जो न्यूज़ आई थी वो उसका ऑपरेशन जो है सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आपको पेशेंस रखना है अगर आप जेट एयरवेज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी स्टॉक जो है नीचे आएगा क्योंकि क्वार्टर फोर के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, लॉस हुआ है कंपनी को, टोटल इनकम जो है वो भी कम हो गई है लगभग 33% तक की। तो अभी जो है स्टॉक में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आप नहीं कर पाए, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करके रखें, एग्जीक्यूट होएगा तो ही आपका जो है प्रॉफिट जितना भी है वो हो जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन स्टॉक अभी नीचे आएगा तो आपकी उसको वजह जो है क्वार्टर फोर के नंबर्स अच्छे नहीं आए। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को लेके चल सकते हैं, अलग बात है अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए और लॉस बुक नहीं करना चाहते तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं, और अभी जो है तेजी के लिए आपको स्टॉक के अंदर अभी वेट करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।